में हम मल्टीपल सीट पिवट के इसमें फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार समझिए डेटा को, मेरे पास एक सीट है कस्टमर की, ठीक है, दूसरा सीट है प्रोडक्ट की, तीसरा सीट है हमारा सेल्स की। अब सेल्स के अंदर में क्या है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी रेफरेंस वगैरह है, अब इसमें क्या है कि मैं एक बार करता हूँ इसको डिजाइन, एक कॉलम ऐड करता हूँ इसमें। तो इसमें क्वांटिटी के पहले हमने यहाँ पे लिख दिया PID, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी हमने दे दिया जो कि नंबर है। फिर यहाँ पे CID है, CID वी नंबर। तो मेरे सेल्स वाले जो डेटा है, उस सेल्स वाले डेटा के अंदर में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने जस्ट उसका यूनिक कोड लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है, इस पे जो आईडी लिखेंगे उसकी डिटेल यहाँ प्रोडक्ट में रहेगी, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट की कुछ प्रोडक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर, डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेल साइज हो गया यहाँ पे मान लीजिए 35 days और MRP हो गई 7500। उसके बाद यहाँ पे VVA 55 days 10,000, एक्सेस 35,000, SQL 65 6,000, पावर BI ठीक है। एक कोर्स ये हमने ऐड कर लिया अपना प्रोडक्ट। फिर हम कस्टमर में आते हैं, कुछ कस्टमर ऐड कर देते हैं, जैसे कि पूजा सिटी दिल्ली, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मोहन कानपुर, हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए। यहाँ पे ओम उदयपुर, यहाँ पे कुणाल ना, टीना नोएडा, ठीक है, ये एंट्री कर लिया। अब मुझे सेल्स की एंट्री करनी है। अब चलिए इसके लिए हम चलते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ डिजाइन फॉर्म पे आते हैं, इसके बाद एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे तीनों का रखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जाना होगा डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में तीनों सीट का जो रिलेशंस है वो मुझे यहाँ पे करने होंगे डिक्लेयर। तो हमने बोला कि यहाँ जो CID है इसको उठाया और इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, फिर इसकी जो PID है उठाया इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब यहां पे करते हैं क्लोज, सेव करके अब शो लिस्ट में आते हैं। अब जैसे कि सेल्स सर बोलिए सर एक मिनट, बोलिए। वो जो रिलेशनशिप किया ना सर आपने, हाँ रिलेशनशिप जो किया सर आपने, उसमें जब हम इनफोर्स वाले को एक पल क्लिक करते हैं ना सर, तो हाँ उसमें दो तीन और ऑप्शन खुलता है, तो वो मैं मतलब कि बताऊंगा, अलग अलग वो टाइप। भी बता वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, अभी हम रिलेशनशिप को डिटेल में नहीं ना पढ़े हैं। तो हमने रिलेशनशिप कर लिया। अब चलिए इस पे हम अपना फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले डिजाइन टूल में आते हैं और हम यहां से लेते हैं लेवल। लेवल यहां पे ड्रैग करते हैं और यहां पे लिखते हैं सेल्स सॉरी सेल्स डेटा एंट्री, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी लिस्ट में आ जाते हैं।
फॉर्मेट में आ जाते हैं। फॉर्मेट में यहां होगा आपको फॉन्ट, फॉन्ट फॉन्ट की साइज, यहां से फॉन्ट की साइज को कर लेते हैं हम बड़ा, 24 का 11 है तो हम यहाँ पे 36 कर देते हैं। ठीक है सर, बड़ा हो गया। कुछ और कलर वलर भी करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ से कुछ नहीं करना है। अब आते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट में। बोलिए सर। नहीं सही है सर। हाँ, अब यहां पे हम लेते हैं अपना डेट, डेट लिया यहां पे कि डेट इंट्री करेंगे सबसे पहले, फिर हमने यहां पे मोड लिया, मोड इंट्री करेंगे, मोड के बाद फिर हम आते हैं रेफरेंस, एरो की चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। रेफरेंस के बाद हमने लिया पीआईडी। अब पीआईडी जो यहां लिया तो मुझे पीआईडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे चाहिए। ठीक है, तो हम चले गए कस्टमर, कहां चले गए कस्टमर में, जहां पे प्रोडक्ट का नेम लिया। अब इसको यहां पे आ रहा है साइड में तो उसको उठा के हम यहां ऊपर रख रहे हैं और इसको उठा के यहां रख रहे हैं प्रोडक्ट का नेम। फिर यहां से प्रोडक्ट के नेम से हम प्रोडक्ट की साइज, अब यहां इसको उठा के हम ऊपर साइज में रख रहे हैं और यहां से प्रोडक्ट की साइज ले रहे हैं। साइज थोड़ा छोटा है तो इसको छोटा कर देते, ये साइज तो कमी है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर और इसको उठा के नीचे, इसको और नीचे करना, और नीचे करना। ठीक है, उसके बाद एमआरपी को रखा मैंने यहां पे, इसको उठाया ऊपर और एमआरपी को रखा। ठीक है, उसके बाद हम अपना क्वांटिटी यहां पे पुट करते हैं। अब क्वांटिटी पुट करने के बाद मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें इस पे इसकी अमाउंट मुझे शो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमाउंट। ये जस्ट देखने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं इसमें जैसे वर्कशीट में सीआईडी को लिया यहां पे, अब कस्टमर का नेम, कस्टमर का नेम यहां रखा, यहां लिख दिया। उसके बाद यहां पे हम सिटी सिटी के बाद फिर यहां पे मोबाइल, हो गया। अब अपने इस फॉर्म को करते हैं क्लोज एंड फॉर्म वन यहां पे हम सेल्स लेते हैं और करते हैं यस। अब एक बार डेटा एंट्री करके हम देखते हैं, तो यहां से हमने क्या किया, डेट लिया,
डेट लेने के बाद यहाँ पे मोड मैंने लिया कैश, रेफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया ऑनलाइन, ठीक है। अब यहां पे हम पीआईडी नंबर 1 डालें, आगे पर डिटेल्स है बाकी। ठीक है, क्वांटिटी हम यहां पे 50 डालते हैं और यहां पे मैं 1 नाम का सीआईडी कस्टमर डालता हूं, तो कस्टमर की डिटेल्स पूरी आ गई, समझे। सर इसमें जो है कस्टमर प्रोडक्ट, सर एक सेकंड सर, बोलिए। ये जो है सर कस्टमर प्रोडक्ट और सेल, ये तीनों में सर मतलब पीआईडी होना चाहिए क्या? एंट्री मतलब एक ही फॉर्म बना है और वो बताता हूँ मेरे कि को एक ही जगह एंट्री करना है हम सर। एंट्री जो करने कर रहे हैं हम सेल्स में कर रहे हैं, हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, सेल्स में कर रहे हैं। और बाकी जो क्या है कि सेल्स में एंट्री करते समय कुछ ऐसे आईडीज है जिसका डेटा किसी और डेटा टेबल में है, समझ गए। तो मुझे वहां से टाइप करते समय, अब मैंने 1 डाला यहां पे, मान लीजिए क्वांटिटी 1 डाला, तो पता तो होना चाहिए कि 1 किसका है। आप करेक्ट डाले भी डाले, सिर्फ मान लीजिए कि आपका सेल्स का, आप एक अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपने अकाउंट नंबर डाल दिया, तो आपको पता तो होना चाहिए ना ये अकाउंट नंबर का क्या है, क्योंकि आपने आप जो पैसा जमा करने वाले फॉर्म फॉर्म पे आप एंट्री कर रहे हो, लेकिन अकाउंट नंबर डालते ही अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना सर। तो अच्छा एसएफ व्यू के लिए आपको यहां दिख गया, मैं दोबारा करता हूं, दूसरी एंट्री करता हूं कि आज ही के डेट में। अब यहां पे मोड में हम यहां पे कार्ड कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंस हमारा जो है वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर का है, ठीक है, ओल्ड लिखते था, ओल्ड कस्टमर, ओल्ड। अब यहां पे जैसे मैंने पीआईडी 2 डाला, तो 2 डालते ही इसने क्या किया, लुकअप कर लिया 2 नाम का जो डेटा टेबल है वहां से। अब क्वेश्चन यहां आता है कि अगर मैं यहां चेंज करूं तो क्या मेरा उस टेबल में भी चेंज होगा। यहां पे हमने वीवीए माइक्रोज कर दिया, राइट। ऐसे ही क्वांटिटी में यहां पे मान लीजिए हमने 3 कर दिया, तो यहां और सीआई नंबर मान लीजिए 2 किया, तो सीआई नंबर मोहन है और यहां पे मोहन शर्मा कर देते हैं हम, ठीक है। मोहन शर्मा करने के बाद जैसे यहां पे लास्ट वाले पे टैब प्रेस करूंगा तो एंट्री हो गया। अब मुझे देखना है कि हमारे सेल्स टीम में, तो यहां पे सेल्स को दोबारा ओपन करना पड़ेगा, सेल्स टीम में तो मैं एंट्री है पूरा हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट टीम, प्रोडक्ट वाले में भी देखिए एंट्री हो गया सर, और कस्टमर वाले में भी एंट्री हो गया। तो हमने एक साथ तीन तीन अलग अलग शीट में एंट्री की, समझे, हाँ क्लियर है। अब यहां पे हमें दो चीजें हैं, पहली चीज कि हमें यहां अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है सर, अमाउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दूसरा मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे इस एग्जिस्टिंग को ऐड करे, क्योंकि तो मान लीजिए यहां पे किसी ने ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सर। क्योंकि हम अमाउंट कहीं पे तो लिख नहीं रहे, हम क्वांटिटी एमआरपी उठा रहे हैं। अब किसी ने एमआरपी चेंज कर दिया तो बाकी सारी डेटा एंट्री चेंज हो जाएगी ना। तो उस केस में आपको यहां सेल्स वाले को डिजाइन पे जाते हैं, जो ये है ना इसकी प्रॉपर्टी में आना है, और प्रॉपर्टी में आप आएंगे, एनेबल दिख रहा है सर डेटा में, डेटा सेक्शन में इस एनेबल को कर देना यहां पे नो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट व्यू के पर्पस से हो जाएगा, क्या किसके पर्पस हो जाएगा, व्यू के पर्पस से, देखो कि कोई भी जस्ट इसको देख पाएगा ना कि इसमें किसी तरह का चेंज कर पाएगा, समझे। सर, तो यहां पे हमने इसको कर दिया डिसेबल। अब बात करते हैं इसकी, तो मैं चाहता हूं क्वांटिटी में जैसे ही मैं कोई अमाउंट डालू ये यहां पे कैलकुलेट हो, तो इसके इवेंट पे आएंगे। इवेंट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक
नहीं आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, और इसके लिए हम जाएंगे इसकी किसमें, कोड बिल्डर में, ताकि वीवीए प्रोग्रामिंग यहां आ जाए। अब इसका फॉर्म, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट नाइन। यहां लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट नाइन डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मी डॉट एम आर पी, समझे। सर अब यहां पे इसको करते हैं हम यस, और फिर डबल क्लिक करके इसको करते हैं ओपन, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो यहां पे एंट्री के लिए जो होता है वो डाल सकते हो, जैसे कि मैं एक बार थोड़ा सा इसको नीचे और ऐड करता हूँ, बटन्स जो कि लास्ट क्लास में बताया था ना, बटन्स हमने हमने बटन लिया, इसको ड्रैग किया, आ गया। अब इसमें रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाते हैं और यहां पे करते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट यहां पे लिख देता हूं ऐड, नेक्स्ट एंड फिनिश। बटन को थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और यहां पे करते हैं इसको सेव, अब ओपन करते हैं इसको। अब यहां पे हम करेंगे ऐड पे, ब्लैंक आ गया पूरा, ठीक है। इसमें हम डेट सर एंट्री किया, इसमें मोड में हमने टैस कर देता हूं, रेफरेंस में ऑनलाइन, पीआरई नंबर 1 आ गया, क्वांटिटी नंबर 3 आ गया ऑटोमेटिक सर, अमाउंट। अब सर सीआई नंबर 2 आ गया, और जैसे ऐड पे क्लिक करूंगा तो एंट्री ऐड हो जाएगी और ब्लैंक आ जाएगा सर। अमाउंट तो आ रहा है सर उसमें, क्या हुआ, अमाउंट उसमें दिख अमाउंट रहा उसमें था। दिखा, हाँ क्योंकि अमाउंट फॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, अमाउंट फॉर्म का पार्ट नहीं था, अलग से कैलकुलेट करने के दिखाया मैंने, तो इसको भी करना पड़ेगा, कोड लगाना पड़ेगा कि अगर ब्लैंक हो, कंडीशन लगाना पड़ेगा, अगर ब्लैंक हो तो यहाँ पे ब्लैंक दिखे, समझेगा। आगे बताऊंगा इसके बारे में। पूरा सर वो कंडीशन सर हाँ मेरे को सिखा देना सर, जैसे कैसे करके उसका क्या मैं मैं प्रोग्रामिंग में किसको सिखाऊंगा, बोलूं। वो प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा आपको। अभी आपने देखा कि आप कैसे एक से ज्यादा टेबल पे हैंडल कर सकते हैं, जैसे आप कल बात कर रहे थे ना, अब इसको आप कीजिए प्रैक्टिस, फिर कल इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चल।